पंकज घरज साहेबांनी आम्हाला बॅक स्पॉन्सर केलेले आहे सेना युवा अधिकारी त्यानंतर कॅप देवानंद पाटील आपल्या शुभ द्यायचे जे आम्हाला स्वर्गीय शंकर महादेव पाटील यांच्या स्मरणात यंग युवा बिझनेसमॅन नयन शंकर पाटील उद्योजक गुंदवली यांच्याकडून आलेले आहे स्नॅक्स हंश पाटील आपल्या शुभ हस्ते द्यायचं आहे जो, जो आम्हाला विशालबाई मारू लोडाप्पर ठाणे यांनी पुरस्कृत केलेला आहे पार्थ पाटील आपल्या शुभेस्ते जॅकेट द्यायचं आहे उमाकांत पाटील माजी सरपंच ग्रामपंचायत अंजूर उपाध्यक्ष ओमकार युवा सेवा संस्था भिवंडी सनशाईन स्कूल चे चेअरमॅन यांच्याकडून आम्हाला जॅकेट आलेलं so, well आहे सो वेल पेड अविनाश अँड बेस्ट ऑफ लॉक टू नेक्स्ट मॅच तर निश्चितच आपण दोन दिवस या स्पर्धेमध्ये दमदार आवाज ऐकला रोहिंजन सुपुद्र रायगडची तोप मच्छिंदर पाटील सरांचा हा स्वागत आणि सन्मान या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा, शिलेदार प्रणेते दिना सकाराम पाटील साहेबांना विनंती करतो आपल्या शुभ हस्ते मच्छिंद्र पाटील सरांना सन्मानित करावं माईचे उपदार शॉल प्रेमाचं पुष्पगुच्छ आणि या स्पर्धेचे अविस्मरणीय भेट म्हणून एक आकर्षक सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना सन्मानित करायचंय तर आपण अजून एक सन्मान करूया जयवंत सरांचा आपण त्याने देखील या स्पर्धेमध्ये दे आपल्याला चार दिवस आपला आवाज दिला त्यामध्ये त्यांचा आपण सन्मान करूया सहा दिवस क्या बात आहे तर या स्पर्धेचे भाग्य विद्या ते सन्मान्य दिनाश त्यांचा देखील सन्मान करूया खूप खूप धन्यवाद जयवंत सर तुम्ही देखील आपण या स्पर्धेसाठी वेळ दिलात तुमचं देखील मनापासून आम्ही आभार व्यक्त करतोय थँक्यू सो मच ओवर टू सिद्धिक भावे सर थँक्यू सो मच धन्यवाद मच्छेंदर पाटील काफी रंग भरा आपने आज रायगड की तोप के जब सोयल मूसा शेख गेंदबाजी कर रहे थे तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा था कि इतने परेशान हैं कि पसीने से दरबदर तरब लग रहे हैं और साथ ही साथ जयवंत पाटिल आपकी भी खिदमत को हम नहीं भूल सकते यहाँ पर तीसरे अंपायर की मदद ली गई है नहीं यस बैट्समैन आउट है आखिरी मुकाबला चलता हुआ और इस मैच की विजेता टीम कल ठीक 12 बजे दूसरे मुकाबले में साइंस स्पोर्ट कारबाव से टकराएंगी सुपर सिक्स में पहला मुकाबला ग्यारह बजे रहेगा विलास स्मृति रानाल और गावदेवी डोंडा वड़ोली के बीच में कल दोस्तों सुबह में आपके साथ रहेंगे कमेंटेटर शुभा कमेंटेटर सुनील शिल्के और कमेंटेटर हेमंत पाटिल शाम में सदाबार कमेंटेटर अजय करत वॉइस ऑफ महाराष्ट्र गवली सर मेरे साथ जुड़ जाएंगे इस मरतबा अपील और आउट एल बी डब्ल्यू टो क्रैशर यहाँ पर कठिनाइयों में अब टेम्बोली टीम लग रही है छ पे दूसरा विकेट गिरा हर्षल हर्षद पाटिल बिल्कुल विकटों के सामने थे टो क्रैशर कल सुबह के कमेंटेटर तो अपने समय पे पहुंच जाएंगे शाम के कमेंटेटर और स्कोरर को भी कल ठीक पाँच बजे यहाँ पहुंचना है छ रन दो विकेटों के नुकसान पर शेकी स्टार्ट हम कहेंगे टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया था सामने बहुत मजबूत टीम है भावाले भी नवनाथ मुखने गेंदबाजी कर रहे हैं और मुखने ने अब तक दो विकेट कहते हैं चखने चख चक लिए हैं एक बैट्समैन ज़रूर रन आउट हुआ है देखिए नवनाथ मुखने और योगेश भालेकर दीज आर दी वेरी डेंजरस बॉलर लेकिन सामने भी तो टेम्बो लिए कभी भी पलटवार कर सकती है ये बताया जा रहा है योगेश भालेकर इस वक्त फील्डिंग करते हुए आपके टीवी मॉनिटर पे नवनाथ मुख ने आदित्यार को बढ़िया ड्राइव बॉलर बैक ड्राइव सीधी गेंद में डॉन पे स्ट्रोक के साथ ही बल्लेबाज एक रन के लिए पलटते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ सात रन दो विकेट आप देख रहे इतिहास में फ्री एंट्री टूर्नामेंट ग्रामीण धनवान और साथ ही साथ दीना इंटरप्राइजर्स के प्रोपराइटर थाना जिला कोऑर्डिनेटर ग्रामीण शिवसेना के दीना पाटिल साहब की देन लेट महेंद्र दादा का इस मरतबा गेंद आसमान में है फील्डर उसके नीचे एक और झटका लगा और आउट होके जा रहे बहुत बड़ी विकेट प्रतीक पाटिल हैज गॉन मैदान में आते हुए कठिनाइयां बढ़ती भी या अनुमान स्पोर्ट्स की जेच स्पोर्ट नए बैटर मैदान में आते हुए तवसीफ शेख नए बैटर तोसीफ़ शेख आए हैं अल्ताफ़ शेख के भाई हैं अच्छे स्ट्रोक प्लेयर हैं लेकिन दबाव बढ़ा दिया है पहले ओवर में भावाले बी ने कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं नवनाथ मुख ने भावाले के दो स्टार इस वक्त सारे महाराष्ट्र के टेनिस क्रिकेट पे छाए हुए हैं सूरज केने और योगेश भालेकर भावाले बी के लिए भालेकर भाग गए हैं खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी में मुकने मुड़ते हुए तोसिफ़ शेख के लिए वाइड यॉर्कर नींद उड़ाती भी पहुंची विकेट कीपर के पास बढ़िया गेंद गेंदबाजी में योगेश भालेकर को लगाया गया है एक ओवर की समाप्ति कमाल का कावर नवनाथ मुखने का हमने देखा सात रन और तीन विकेट एक बल्लेबाज रन आउट दो विकेट हासिल की मुखने ने देखिए गेम प्लान भावाले का बिल्कुल साफ है भावाली बी का तुरंत ही योगेश भालेकर को बुलाए इस सीज़न में बी सी फोर फॉर्मेट में जॉय कुमार ट्रॉफी में मैन ऑफ सीरीज रहे और पिछले सीजन में बी सी फोर सिटी क्रिकेट के नंबर खिलाड़ी रहे योगेश भालेकर सामना करेंगे आदित्य भूर रिवर्स खेला है गैप में कमाल का शॉट है ये शॉट को देख के मैक्सवेल की याद ताजा होती हुई चार रन पिछले मैच में भी आदित्य भुएड़ ने कमाल की बल्लेबाजी की थी कल पहला मैच 11 बजे विलास स्मृति रानाल बनाम गाऊदेवी स्पोर्ट ढोंडा वरोली योगेश बालेकर इस मरतबा हल्के हाथों से इनको खेल दिया शॉर्ट लेक पे एक रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेरह पे पहुंचा की जड़ से गेंद को खेला था वहां पे योगेश भालेकर सामना करेंगे अदित तौसीफ शेख तौसीफ शेख की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है इस मरतबा मिसक्यू पुल शॉट है लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे ओहो पहुंच गए थे खिलाड़ी अच्छा कैच लिया वहां पर मेरे ख्याल से दूसरी कोशिश में ये कैच पकड़ा गया है ये देखिए आंखें अट गई थी ब्लाइंड शॉट खेला था और ये देखिए आखिरकार कैच को समाप्त किया सूरज केने थे इस सीजन का सबसे अच्छा कैच भी सूरज केने ने पकड़ा था मैगी ट्रॉफी के फाइनल में और अभी अभी वो सेहतयाब हुए हैं देखिए सूरज केने के भी बहुत फैन फॉलोवर्स हैं उनको मैदान में देखकर पहले तो भिवंडी क्रिकेट के लिए अच्छा है और उनके फैन फॉलोअर्स के लिए तेरह रन चार विकेटों के नुकसान पर ओवर नंबर दो चल रहा है रन बनाना थोड़ा कठिन हो रहा है आज अल्ताफ शेख टीम में नज़र नहीं आ रहे हैं वाकई में लेट महेंद्र दादा मेमोरियल कप में हमारे नितिन मात्रे ने कांदे से कांधा लगाकर ऑर्गेनाइजिंग टीम के साथ खड़े रहे उनका भी हम विशेष धन्यवाद करते हैं तेरह रन चार विकेटों के नुकसान पे योगेश बाेकर इस ओवर में अभी तक बांधे रखा है इस मरतबा बाहर कर बैठे हैं मोनिस पाटिल ने छोड़ा व्हाइट घोषित किया अंपायर ने एक रन और आता हुआ स्कोर में जे एच टेंबोली चौदह रन चार विकेट योगेश रिवर्स खेलने की कोशिश कमाल की गेंद रफ्तार पकड़ती भी पहुंची सूरज केने के ग्लोव में क्या गेंद थी रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे पेस में बिट किया किस्मत वाले रहे कि गेंद बिल्कुल स्टम्प के करीब से फूक मारती हुई चली गई विकेट कीपर के पास बेहतरीन गेंद चौदह रन चार विकेटों के नुकसान पे ओवर नंबर दो का खेल चल रहा है इसमताबाद टर्न कर दिया ऑन साइड में मोनिस ने एक रन बना दूसरे के लिए आना है रॉन्ग एंड थ्रो जरूर आया लेकिन अंपायर तीसरे अंपायर की तरफ गए हैं हालांकि मेरा ख्याल है थ्रो थोड़ा थो रॉन्ग एंड आया था अधित्या रुक गए थे ये देखिए मोनिस ने टर्न कर दिया था कलाइयों के बलबूते पे फील्डिंग लाजवाब वहाँ से थ्रो भी ला जवाब ये देखिए बहुत जबरदस्त स्लाइड करते हुए बल्ले को आए हैं दूर से लेकिन देखना है कि तीसरे अंपायर का निर्णय क्या आता है बल्ला दूर से स्लाइड करते हुए नॉट आउट।, आउट ये सही तरीका रहता है यहीं कहा था मैंने कि रॉन्ग इन थ्रो गया है दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ टेम्बुली का सोलह रन चार विकेट ओवर नंबर दो चल रहा है इस मैच की विजेता टीम कल ठीक बारह बजे साइंस स्पोर्ट खरबाओं से टकराएंगी ग्यारह बजे मैच रहेगा डी ग्रामीण के सुपर सिक्स का पहला गावदेवी ढोंडा वडोली बनाम विलास स्मृति रानाल इस मत फिर कलाइयों को किया, किया, बैकवर्ड स्क्वायर पे फिर दो रन पूरे किए दिस इज द क्लेवर बैटिंग फ्रॉम आदित्य भुर आदित्य भुईर को पता बल्लेबाजी किस तरह करना चाहिए मुनिश क्लेवर बैटिंग फ्रॉम मोनिस ओवर समाप्त तो होते हुए दो रन बने हैं अठारह विकटे गिरी हैं चार कहीं ना कहीं दो अच्छे बैट्समैन हैं और ऊपर के बल्लेबाजों ने मायूस किया है तो लग रहा है कि दो बल्लेबाज चाहेंगे कि चालीस के करीब पहुंचा जाए अगर चालीस रन बनते हैं तो फिर बोलिंग बहुत अच्छी है सिमुलरी टीम के सामने है। लेकिन पडला इस वक्त झुका हुआ है बाबालि बी के सामने समय बर्बाद ना करें प्लीज उद्या या स्पर्धेचा सातवा दिवस आणि एक फ्रेंडशिप मॅच आपल्याला बघायला मिळेल ती म्हणजे दिना पाटील वर्सेस मौसम पाटील असा सामना एक बिग फाइट मॅच ही प्रेक्षकांना बघायला मिळेल इनाम नाम काय ये आहे बताइए एक तो लेंडलाट ऑफ भरोडी आहे तो एक टीम का नाम हम रखेंगे लैंडलॉर्ड एलेवन और एक टीम का नाम रखेंगे धनवान एलेवन यानी कल भी आराम नहीं मिलेगा खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी में विकास विकास गवारी की पहली गेंद हेलीकॉप्टर स्ट्रोक है गैप में गेंद रही है चार रन मौका नहीं था भालेकर के पास थोड़ा सीधा खड़े थे ऑफ पे गजब का हेलीकॉप्टर स्ट्रोक आता हुआ आदित्य भूड़ के बल्ले से ये खिलाड़ी भी अजीब है जब कोई नहीं खेलता है तो यही खेलता है टेमोली के लिए स गवारी आदित्या को हिट किया है गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है चार रन बैक टू बैक दो चौके और इसे कहते हैं बैट्समैन जब जरूरत टीम की हो और इस खिलाड़ी के बारे में एक ही बात कहूंगा बाकी खिलाड़ी दस परफॉर्मेंस करते हैं तो एक बार चमकते हैं और ये खिलाड़ी एक बार परफॉर्मेंस करता है तो दस मैचेस तक याद रहता है बैक टू बैक दो चौके छब्बीस रन पलटवार अब चलता हुआ टेमोली की तरफ से विकास गवारी थोड़े प्रेशर में आ गए गे, दो गेंदों में दो चौके लगे उनको पटकी भी गेंद पंच किया है गेंद को गेंद कवर बाउंड्री की तरफ जा रही है आप जाके रोका है लेकिन इस बीच दो रन पूरे किए हैं आदित्या ने क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं आदित्य कुल स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ अट्ठावीस रन चार विकेट चालीस और पचास के बीच में अगर टोटल रहा क्योंकि कंडीशन थोड़ी सी बदल गई है हम देख रहे हैं कि फिजा में इस वक्त फॉग नज़र आ रहा है आदित्य सामना करे बढ़िया एक्स्ट्रा कवर ड्राइव प्रोटेक्शन है पीछे एक रन स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ उनतीस चार विकेट ओवर नंबर तीन चल रहा है मुकाबला चलता हुआ जे टेंबोली बनाम भावाली भी दीना पाटिल साहब को दिखाया जा रहा है हमारे और मेहमान चाय का मज़ा लेते हुए चाय भी अजीब चीज़ है बड़ी देर के बाद आइए चाय जल्दी से पी ले कहीं सौद ना खत्म हो जाए खींच के मारने की कोशिश गुडलेन पे गेंद थी रन चुराते हुए बल्लेबाज चुरा लिया है तुमने जो दिल को नहीं चुरा लिया है तुमने जो रन को और समाप्त नहीं वे अभी पांच गेंदे एक गेंद बची है तीस रन स्ट्राइक पे फिर आदित्य अब भावाले टीम ने इस सीजन में धड़ा के बाद चषक को जीता था ग्यारह कप की विजेता टीम है जबकि टेम्बोली ने अब तक इस सीजन में कितने कप जीते हैं पांच कप अच्छी गेंद फॉलो किया था वहां पे आदित्य को बीट किया वाइड अंपायर की तरफ से आया है इकतीस रन चार विकेट यस बदकिस्मती थी गेंदबाज की इंचेस एक इंच लेकाम को लेकिन रूल तो रूल है और आपकी बदकिस्मती हो तो आप ऊंट पे भी बैठे तो आपको चूटी आके काट लें आदित्य को हवा में स्ट्रोक नहीं गलती होंगी हो गई योगेश पालेकर से कैच छूटना ये अच्छे संकेत नहीं है बावाले बी के लिए और वो भी जीवनदान किसको दिया है आदित्य भोईर को तीन ओवर की समाप्ति रन बने बत्तीस विकेट गिरी है चार ये देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच था बिल्कुल गोदी में कैच था कल आप एक नुमाइशी एग्जीबिशन मैच देखेंगे धनवान एलेवन बनाम लैंडलॉर्ड एलेवन मौसम पाटिल बनाम दीना पाटिल हल्का सा फॉग इस वक्त श्री गुरुदत्त चौटा हिरवा मानकुली क्रिकेट ग्राउंड पे नजर आ रहा है कोई पूछे कि मध्यरात्रि में क्या चल रहा है तो हम कह सकते हैं कि लेट महेंद्र दादा मेमोरियल कप चल रहा है फिर कोई पूछे कि क्या चल रहा है तो ये भी कहा जा सकता है कि मानकुली में इस वक्त फॉक चल रहा है डेथ और में गेंदबाजी के लिए अविनाश केने मोर्चे पे लगाए गए पिछले सीजन में सूरज केने भावाले ने जॉय कुमार ट्रॉफी में बैक टू बैक दो अर्धशतक जड़े थे और इस सीजन में जॉय कुमार ट्रॉफी में बैक टू बैक योगेश भालेकर ने दो अर्धशतक जड़े इस मरतबा कमाल का शॉट है कोशिश अ फील्डिंग शर्तियां उन्होंने दो रन तो बचाए क्या शॉट खेला था इस तरह के शॉट आसान नहीं रहते हैं गोसिस बैकफुट एंड क्रैक्स इट डैस बॉल फंटास्टिक एफर्ट फॉर फाइनली बॉल इज रिकोश टू बाउंड्री फॉर ये देखिए थंप किया था बैकफुट पे जाकर स्कोर चौकी की मदद से आगे बढ़ता हुआ छत्तीस पे थोड़ी खतरे की घंटी अब बजना शुरू हो गई है बावाले बी के लिए और नाम है आदित्य पटकी भी गेंद बहुत कोई शॉट ऑफर नहीं किया वाइट एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ सैतीस रन ये सुपर सिक्स क्वालिफाई का मुकाबला है विजेता टीम बारह बजे साइंस स्पोर्ट खरबाँव से टकराएंगी महेंद्र पाटिल फैम टीम जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है महेंद्र दादा मेमोरियल कप में मुड़ते हुए इस मरतबा खड़े खड़े अब की बार नहीं गलती करेंगे आउट हो गए लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर बढ़िया कैच योगेश बालेकर का विकेट नंबर पांच गिरता हुआ यहां पर टीम टेम्बोली का कश्ती को मझदार से निकालते हैं नहीं ये देखिए सर पे हाथ रख दिया आउट होने के बाद आती थी अब ने भूल गए कि दूध से दही एक बार बन गया तो दही से दूध नहीं बनता है इसलिए क्रिकेट में जो हुआ सो हुआ मंदार सामना कर रहे हैं कहने का पटकी हुई गेंद मिसकी पुल शॉट है नहीं पहुंच पाएंगे खिलाड़ी नो मैसलैंड में गेंद गिरी है एक रन आता हुआ स्कोर अड़तीस पे पहुंचा है आखिर की तीन गेंदे बची है मुनिस पाटिल सामना करने जा रहे हैं अड़तीस रन पांच विकेटों के नुकसान पर 38 एट फॉर द लॉस ऑफ फाइव विकेट आज पांचवी टीम बाहर के ग्रामीण में क्वालिफाई हुई बबन स्मूर्ति आरसीसी पेट कल तीन बज के तीस मिनट पर आखरी जो ग्रुप है उसकी शुरुआत हो जाएंगी जहां के मैचेस में आपको बताता चलूंगा गेंद इनको फ्लिक कर दिया है पीछे खिलाड़ी हैं, कोई गलती नहीं मिड विकेट पर विकास थे वहां पर विकास गवारी और ये लगने वाला छटा झटका कल जो मैचेस हैं जिस तरह आप पहले दो फोर्टी प्लस के मैचेस हैं उसके बाद ग्यारह बजे ठीक सुपर सिक्स भिवंडी तालुका ग्रामीण का जो फॉर्मेट है उसमें पहला मुकाबला आप देखेंगे विलास स्मृति रानाल बनाम गावदेवी डोंडा वड़ोली दूसरा मैच रहेगा वो साइंस स्पोर्ट कारवाओं इस मैच की विजेता टीम उसके बाद कौन से मैचेस रहेंगे वो आपको इतलाह दी जाएंगी लेकिन ठीक तीन तीस को शुरुआत होंगी जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ नरेश मात्रे फैम टीम और जगदीश स्मूर्ति वडावली बी कल जे एच पोगाव दो 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 हाथ लेंगी जय महाराष्ट्र जू चंद्र से कल भूमि एलेवन मांडा टिटवाला जगन पाटिल फैम टीम टकराएंगी साई स्पोर्ट सरलगांव से कल पदमावती वसई का मुकाबला रहेगा पड़वाकर एलेमन मैदरपाड़ा से मर्तबा क्रीज में पीछे जाके बहुत ही करारा हम पुल थ्रू आ रहा है और बल्लेबाज रन आउट एक रन से जहां लग रहा था पैंतालीस पे स्कोर जाएगा वहां लग रहा है कि उनचालीस पे अब सात विकेट गिर चुके हैं एक गेंद बची है और सामना करने जा रहे हैं बल्लेबाज मनीष पाटिल एक गेंद बची है टेंबुल चाहेंगी बड़ा शॉट है बावाली भी चाहेंगी कि गेंद डॉट जाए कहने से कुछ नहीं होता है करना पड़ता है फॉलिंग स्वीप खेलने की कोशिश फॉलो किया वहाँ पे एक रन आता हुआ कुल मिलाकर छः ओवर की समाप्ति रन बने चालीस इकतालीस की चुनौती सुपर सिक्स में पहुँचने के लिए बावाले बी के सामने टेम्बोली ने रखी है फिर से मैं आपको बताता चलूँ पहले फोर्टी प्लस के दो मुकाबले ग्यारह बजे ठीक आप सुपर सिक्स भिवंडी ग्रामीण से देखेंगे विलास स्मृति रानाल प्रताप सेठ पाटिल फैम टीम दो दो हाथ लेंगी गावदेवी डोंडा बडोली से कल दूसरा मुकाबला साइंस स्पोर्ट कारमा महेंद्र पाटिल फैम टीम और इस मैच की विजेता टीम उसके बाद दो मुकाबले और रहेंगे लेकिन उसके बाद तीन तीस से हमारी शुरुआत होंगी नरेश मात्रे फैम टीम जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ जगदीश स्मृति वडावली भी जेच पोगांव का मुकाबला रहेगा जय महाराष्ट्र जू चंद्र से कल भूमि एलेवन मांडा टिटवाला की परीक्षा रहेंगी साइंस पोर्ट सरलगांव के सामने कल पदमावती उम्बेलमान वसई बनाम प्रभाकर इलेवन मेघरपाड़ा कल ये ग्रुप भी क्लियर हो जाएगा पांच टीमें क्वालीफाई हो चुकी है सुपर सिक्स में बाहर ओपन एक गाँव एक से और पांच टीमें क्वालिफाई हो चुकी है क्योंकि दीवा और वडू नौगर का मैच बाकी है देखिए लियोन डी दीज, डीजे प्यारी कैनियन कंपनी एक बात है आप यूट्यूब पे जाइए और आवाज़ सुनिए कितनी क्लियर आवाज़ है और प्रिंस मूवीज़ का क्या कहना कर लो दुनिया मुट्ठी में ये तो किंग ऑफ टेलीकास्ट हैं इनकी बात ही अलग है देखिए प्रिंस मूवीज़ के पास एक कीर्तिमान है कि टेनिस क्रिकेट में पहली मरतबा बाईस कैमरे उन्होंने यूज़ किए थे टेन पी में सूरत में और जो अल्ट्रा स्लो मोशन का जो कैमरा उन्होंने लाया है वो टेनिस क्रिकेट में पहली मर्तबा इस्तेमाल किया था खेल की शुरुआत करना है ऑनफील्ड अंपायर आपको जाना है दीना पाटिल साहब की तरफ से सिग्नल आ गया है बावाली भी आपको ओपनर्स भेजना है 10.25 the required run rate. अपनर बीच मैदान पे आते हुए देखना है कि कल 12 बजे सुपर सिक्स में साइंस स्पोर्ट खरबाओं से कौन सी टीम टकराएंगी पांच टीमें ओपन से सुपर सिक्स में पहुंची है धानियो काजल स्पोर्ट आर एम सोनारपारा बोनकोटे स्पोर्ट, बोनकोटे बहुत अच्छा फॉर्मेट बनाया था इस ट्रॉफ़ी का और देखिए अब तक सुपर सिक्स में जो बाहर की टीमें काजल स्पोर्ट धान्यू तेरह तारीख को क्वालिफाई हुई चौदह को सुपर सिक्स में पहुंची वड़ाल देवी ताडाली पंद्रह को पहुंची आरएम सोनार सोनारपारा और सोलह को पहुंची बोनकोडे स्पोर्ट बोनकोटे और आज क्वालिफाई हुई पवन स्मूर्ति आरसीसी पेट कल का लॉट बचा है खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए प्रतीक पाटिल Hello? Hello? खेल की शुरुआत होती हुई प्रतीक पाटिल सामना करेंगे सूरज कहने नॉन स्ट्राइक पर योगेश भाले कर बाबाली भी किसी तरह का रिस्क नहीं ले रही दोनों हीरो एक साथ भेजे स्वीप किया एलिवेशन ज्यादा नहीं था गेंद सीधी मिड विकेट पे जाती भी एक रन सूरज के ने का खाता खुला खाता खुला बावाले भी का एक रन बिना किसी विकेट के जीतने वाली टीम ये सोचे कि कल ठीक बारह बजे आपका मैच है प्रतीक पाटिल फील्डिंग में बदलाव करते हुए योगेश भालेकर के लिए दाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं मरतबा ट्राइव किया बहुत खूबसूरत अंदाज से मिड ऑफ के बगल से व्हाइटिश लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर चार रन क्लास क्लास शॉट खेला है स्लॉग कर दिया है गेंद मैदान के बाहर छह रन योगेश भालेकर को जाने की जल्दी है या उन्हें नींद आई है या फिर वो गेंदबाजी की नींद उड़ाना चाहते हैं दोनों में से एक बात तो तय ग्यारह पे पहुंचा है स्कोर पहले ओवर में अटैक कर दिया है प्रतीक पाटिल बल्ले से कामयाब है गेंदबाजी से कामयाब नहीं लग रहे बैकफुट पे गए कमाल का शॉट स्क्वायर कट कोई मौका नहीं गेंद पॉइंट बाउंड्री पे चार रन योगेश भालेकर का ये क्लास है और देखते ही देखते रन बने चौदह पंद्रह प्रतीक महंगे साबित होते हुए अच्छी गेंद इस मरत अच्छी वापसी कोर्ट बी एंड की अपील भालेकर स्वयं निकले स्पोर्टमैनशिप स्प्रिट का मुजाहरा करते हुए तालियां होना चाहिए योगेश भालेकर के लिए वन ऑफ द ग्रेट प्लेयर प्रतीक ने आखिरकार विकेट हासिल किया कल रात से गेंदबाजी में प्रतीक के लिए माहौल साजगार नहीं बिग बैश में पहले दो दो उन्होंने बहुत खर्ची ले की लेकिन अहम मुकाबले में अच्छी बॉलिंग की क्लास बढ़ा है लेकिन इस तरह के मैचेस बचाने के लिए आपको गुच्छों में बिकते लेना होती नए बैटर मैदान में आते हुए वे, वेदांत गुलवी लेकिन एक काम तो है कि योगेश भालेकर ने जो शुरुआत चाहिए थी वो दे दिए अगर हम कहेंगे प्रतीक का तो उन्होंने मेन विकेट हासिल किए ऐसा नहीं कि एक मैच में पाँसा पलट जाए चीज़ें बदलने में क्रिकेट में देर नहीं लगती है पंद्रह रन एक विकेट मरतबा सीधे ब्लेड से मिडॉन पे यहां पर तालमेल की कमी और गोल्डन डक का शिकार होते हुए वे वेदांत गुलवी। दूसरा झटका लगा है अब हम कह सकते हैं कि पंद्रह पे दो विकटे गिरी है और दारो मदार अब सूरज कहने पे एक ओवर की समाप्ति रन बने पंद्रह विकटे गिरी है दो तीन ओवर में छब्बीस रन चाहिए देखिए टेम्बोली की टीम है कभी भी मुकाबले को रोमांचक तौर पे लेकर जाने का इनमें हुनर है खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी में देखना है मुनिस पाटिल को इस वक्त लगाया गया है खेल की शुरुआत होती हुई मुनीस पाटिल नए बैटर अविनाश केने आए जो नॉन स्ट्राइक पर हैं सूरज केने पे इस मैच का बहुत कुछ डिपेंड रहता है क्योंकि योगेश भालेकर आउट होके जा चुके हैं देखना है कि क्या अर्षद पाटिल आज अपनी लेग ब्रेक और गूगली गेंदों का मिश्रण करेंगे कंडीशन वैसे भी गेंदबाजों के हक में ज़्यादा दिखाई दे रही पाटिल बहुत जबरदस्त गेंदबाजी कल भी रही थी बिग बैश धमाका में इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को कबस में खेला एक रन बना दूसरे की दौड़ लगा चुके हैं मिसफील मौका बन सकता था दो रन पूरे दो रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है भावाले भी का सत्रह रन दो विकेटों के नुकसान पे 17 फॉर द लॉस ऑफ टू विकेट्स सामने सनशाइन प्री इंटरनेशनल स्कूल का बैनर लगाए चेयरमैन है ये देखिए आप चेयरमैन उमाकांत सकाराम पाटिल साहब और एडवोकेट सुशांत स्वीट इट है और स्वीट इट भी है गेंद ऊपर से निकल के ये बैकवर्ड पॉइंट पे चार रन अब फ्रीड भी है एक रन और स्कोर में करेला ऊपर से नीम पे चढ़ गया बावीस रन क्या अंपायरिंग किए जेपी पैनल ने एक्सलेंट अंपायरिंग मोनिस पाटिल फ्री टाइ सूरज केने को जोर से जरूर खेला है हवा में भी है एक रन मना दो रन आराम से बन जाएंगे 24 रन बहुत मजबूत स्थिति में बावाली बी 24 रन दो विकेट वैसे भी इस सीजन में बावाली बी का क्रिकेट बहुत मशहूर रहा है के बाज में बड़ी बड़ी टीमों को धूल चटाई इस टीम ने लेकिन ये जो दो खिलाड़ी हैं देखिए ग्यारह खिलाड़ी खेलते हैं तो टीम चैंपियन बनती है लेकिन इन दो पे बहुत फोकस है ओ पूरी तरह से खोल के रख दिया ये क्या हुआ है प्रतीक पाटिल क्या सोच रहे थे क्यों उन्होंने बेस नहीं गिराई क्या गेंद थी कितना मौका था और ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा सूरज केने को आउट करने का सुनहरा मौका देखिए फिर से दिखाया जा रहा है कमाल की गेंद थी पूरी तरह से बैट्समैन को चारों शाने चित चीत किया था मोनिस पाटिल ऑफिस के बाहर लेट कट किया गली में गेंद और अंपायर चले तीसरे अंपायर की तरफ जो कि बड़ा रन पूरा करना चाहता वहां पे लेट कट किया था गेंद गली में। इस आउट ये कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट ना बन जाए और स्कोर है चौबीस रन तीन विकेटों के नुकसान पर भावाले बी यहां से अभी भी सत्रह रन चाहिए और नंबर दो चल रहा है जिद्दी क्रिकेट हो रहा है कमाल का थ्रो पहुंचा था गली से और प्रतीक पाटिल ने बेस गिराने में बहुत देर नहीं लगाई वैसे भी गली के चक्कर अच्छे नहीं रहते हैं। पकड़े जाने का डर रहता है गली महबूब की हो या क्रिकेट की नए बैटर जोगेंद्र भाले कर आए बल्लेबाजी के लिए 24 रन तीन विकेटों के नुकसान पे 24 फॉर द लॉस ऑफ थ्री विकेट्स समय में कॉपरेट करना है सूरज के ने प्लीज़ आईसीसी रूल के मुताबिक दो मिनट के अंदर बल्लेबाज को स्ट्राइक लेना लाजमी है वरना एंजेलो मैथ्यूज़ का हल हो जाएगा उनको आउट दिया तो कितने चिड़े थे हेलमेट बिलमेट सब फेंक कर दिया इस तबा तो बेहतरीन शॉट है गैप में लेकिन अच्छी फील्डिंग दो रन बना लिए बल्लेबाज जोगेंद्र भाले ने जोगेंद्र कर दो से खाता खोलते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ भावाले बी का छब्बीस रन तीन विकेट ट्वेंटी सिक्स फॉर द लॉस ऑफ थ्री विकेट तेरह गेंदे पंद्रह रन मोनिस को अगर मैच में रखना है अपने टीम को तो ये गेंद अच्छी करना होगी और जोगेंद्र को जीत की तरफ जाना है तो इस गेंद पे कम से कम कोई बड़ा शॉट या दो रन तो ज़रूर लेना होंगे मोनिस पाटिल स्विंग एंड मिस बढ़िया गेंद अब दो और बचे हैं और रन चाहिए पंद्रह मैच अभी भी बना हुआ है साइड आम गेंद की थी बहुत ज़बरदस्त गेंद देखना है कि तीसरा ओवर दोनों टीमों के लिए डू और डाई का है और उस ओवर में आए गेंदबाजी के लिए आदित्य भुईर जिन्होंने बल्लेबाजी करते हुए चार चौके लगाकर कर बाईस रन बनाए थे बहुत ही फाइटर क्रिकेटर हैं आदित्य भुईर टिमोरी टीम वैसे भी लड़ने के लिए झिंझारू टीम जानी जाती है उंडी ग्रामीण क्रिकेट में खेल की शुरुआत होती भी आदित्य अर इस मरतबा हल्के हाथों से केवल टैप कर दिया पॉइंट पे तोफ के पास एक रन स्कोर आके सरकता हुआ पहुंचा है सत्तावीस रन तीन विकेट आदित्य अभोर सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज जोगेंद्र भालेकर आदित्य अर जोगेंद्र को जड़ में गेंद थी अच्छा ड्राइव लॉन्ग से ऑन पे पहुँचे खिलाड़ी एक रन अट्ठावीस रन दस गेंदे तेरह रन चेसिंग कंपलसरी है दस गेंदे तेरह रन चाहिए खामोश क्रिकेट चलता हुआ मध्य रात्रि में आदित्य वुर सूरज कहने के लिए व्हाट अ बॉल व्हाट अ बॉल क्या गेंद थी देखना है कि अंपायर क्या इशारा करते हैं बल्ले को छूने के बाद गई थी इंटरेस्टिंग टू सी प्रतीक पाटिल क्या कैच लपक नहीं पाए मुश्किल अवसर था मुश्किल अवसर था क्योंकि बल्ले के अंदर लेकिन शॉर्ट थर्मेन पे कमाल की फील्डिंग इस तरह के एज हमेशा बाउंड्री के बाहर जाते हैं नौ गेंदे बारह रन ये मुकाबला धीरे धीरे उलझता जा रहा है इस मतबा गेंद को लिफ्ट कर दिया है लॉन्ग ऑन कॉर्नर में वाइटिश लॉन्ग ऑन के और काउ कॉर्नर के बीच में छ रन इस सिक्सर ने मैच की जान निकाल दी है राजू पाटिल क्या बच्चा है आठ गेंदों में छह रन लग रहा है कि आज की रात बन रही है भावाले बी की बात लेकिन क्रिकेट है अनिश्चितताओं का खेल है और क्रिकेट में तमाम प्रिडिक्शन फेल है गजब का स्ट्रोक खेला जोगेंद्र ने फिर से बढ़िया ड्राइव है गैप में गेंद जा रही है तेज आउटफील्ड है फील्डिंग ला जवाब लेकिन दो रन बनाए कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं गेंद अंपायर और फील्डर के बीच में उलझी थी दो रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ बी का 37 रन अब यहां से केवल चार रन चाहिए गेंदे बचिए साथ क्या आदित्य आखिरी ओवर तक मुकाबले को खींच पाएंगे खींच के मारा है पीछे खिलाड़ी है रन छ्रेचुलेशन भावाले भी सुपर सिक्स में पहुंच गई है और भावाले भी कल ध्यान रखे कि आपको 12 बजे साइंस स्पोर्ट कारबाउ से टकराना है हार्ड लक हार्ड लक टेम्बोली हार्ड लक प्रतिक एंड ऑल टीम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन